में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट खजूर, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट खजूर। चॉकलेट खजूर बनाने के लिए हमें चाहिए क्रश किया हुआ खजूर 1 बाउल, 1 बाउल दूध, 2 चम्मच कोको पाउडर जो चॉकलेट के लिए यूज़ करते हैं, 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून घी, काजू बादाम के टुकड़े और क्रश किया हुआ सूखा नारियल। सबसे पहले हम मिक्सर में 1 बाउल खजूर डालेंगे। इसमें 1 बाउल दूध डालेंगे। और इसे क्रश कर लेंगे। तो इस तरह से खजूर में दूध डालकर उसकी पेस्ट बना देंगे और इसे 1 बाउल में निकाल लेंगे। पैन गरम करेंगे और इसमें 1 स्पून घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें क्रश किया हुआ खजूर की पेस्ट डालेंगे। और इसे मीडियम आंच पर चलाते रहेंगे। इस तरह से ठीक होने तक उसे चलाते रहेंगे। कोको पाउडर डालेंगे। और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर मिक्स कर ले ताकि कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर उसमें 2 टीस्पून चीनी डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर ले। चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। कोको पाउडर और दूध के अनुसार आपको चीनी डालनी है क्योंकि खजूर ऑलरेडी स्वीट होती है। आप देख रहे हैं कि घी छूट रहा है। बस अभी खजूर चॉकलेट के लिए तैयार है। सर्विंग प्लेट में निकाल के उसे ठंडा होने दें। पेस्ट ठंडी हो चुकी है, अब इसे हम सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए आप इसे कोई भी आकार दे सकते हैं। मैंने ये दिल आकार का शेप दिया है। सबसे पहले हम इसको चारों तरफ घी लगा लेंगे।
आप इस तरह से मूली से प्रेस कर सकते हैं ताकि सही आकार हो जाए। सही आकार हो गया है और इसे हम के हाथ से ले लें, शेप हो गया है रेडी। और इसी तरह से और एक शेप बना लेते हैं। बस बहुत ही अच्छा शेप आ गया है। अब इसमें हम गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है। इसे हम ऐसे हाथ में लेकर इसके शेप अनुसार गार्निशिंग करेंगे। आम के टुकड़े से गार्निशिंग करेंगे। तो तैयार है चॉकलेट खजूर, जो बनने में बहुत आसान है। अब ये चॉकलेट खजूर को आप फ्रिज में रखकर हार्ड हो जाए उसके बाद खा सकते हैं। तो अपने घर बनाइए चॉकलेट खजूर, अपने बच्चों को खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें।